आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के चौमहला गंगाधार कस्बा रहा बंद। राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामिरी की जयपुर में हुई निर्मम हत्या के विरोध में कस्बा पूर्ण रूप से 2 बजे तक बंद रहा। कस्बे व ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों ने रैली के रूप में उपखंड अधिकारी गंगाधार के कार्यालय पहुंचकर हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग का ज्ञापन सौंपा। इसके पश्चात ही कस्बे के बाजार खुले। ज्ञापन से पूर्व कस्बे के मुख्य चौराहे झंडा चौक पर 2 मिनट का मौन रखकर मृतक की आत्मा की शांति के लिए सामूहिक प्रार्थना की गयी। साथ ही ज्ञापन में बताया कि प्रशासन शीघ्र कार्यवाही कर न्याय नहीं दिलाता है तो पूरे राजस्थान में जोरदार आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। खबर आपकी राजस्थान से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन की कल दिनांक 5/12/2023 को जो राजपूत समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिस प्रकार से दिन दहाड़े हत्या की है, इसको लेकर समस्त राजपूत हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। समस्त हिंदू समाज ये मांग करता है कि हत्यारे को की जय जय शिवा की जय जय दादा के हत्यारों को गोली मारो साला को दादा के हत्यारों को गोली मारो साला को दादा के हत्यारों को गोली मारो साला को जय श्याम जय श्याम जय श्याम जय श्याम भारत माता की जय भारत माता की। आप सभी लोग बनाओ कम सब समाज पधारे सभी मानव दादा को 2 मिनट के लिए मौन रहेंगे। आज सबको बताए कि जो हमारे समाज की सबसे बड़ी क्षति हुई है उसके बारे में मैंने पंचायत लाइन में लिखी है। कब तक टायर जलाते रहेंगे, कब तक हम टायर जलाएंगे, आखिर घड़ी में कब तक पुरुषों की जो तलवारें हैं उनको नींबू लगा लगा के चमकाएंगे। निकलो रोडों पर अपनी जात के लिए लड़ो, अपने सेनापति के लिए लड़ो, अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए लड़ो। अब नीति तुम्हें मौका बार बार नहीं देगी, इसलिए अपनी नीति से लड़ो और उस भवानी के नाम से लड़ो और अपनी चंद्र खड़ा जो है उसको निकाल करके जो हमारी समाज के और हमारे दुश्मन है उनसे लड़ो। तब तक लड़ो जब तक उनको उनकी छठी का दूध याद नहीं आ जाए।